नाश्ता हो या खाना, थाली में अगर ये चटपटी टमाटर की चटनी मिल जाए तो स्वाद ही बदल जाए। शुरुआत करें चने की दाल से, जिसे धीमी आंच पर भून लें। कढ़ाई को ज्यादा गर्म ना होने दें, वरना दाल जल सकती है। गहरा रंग आने पर दाल में हींग मिलाएं। अब इसमें हल्दी और सूखी लाल मिर्च मिलाएं, जिससे चटनी को रंग और स्वाद मिलेगा। इन सूखे मसालों के स्वाद को प्याज से बैलेंस करें और इन्हें बारीक काटकर मिला लें। प्याज का रंग हल्का पड़ने पर इस चटनी का मेन इंग्रेडिएंट मिलाएं, टमाटर। इस मसाले को अच्छे से पकाने के लिए नमक मिलाएं और तब तक पकाते रहें जब तक सारा पानी उड़ जाए और ये मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। पूरी तरह गाढ़ा हो जाने पर इसे अलग रखकर ठंडा होने दें। अब इस मिक्सचर का बिना पानी डाले पेस्ट बना लें। अब तेल गरम करके उसमें हींग मिलाएं। अब इसमें राई का तड़का दें। इसमें सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ते मिलाकर आंच बंद कर दें। अब इस बघार को पेस्ट में मिला लें और हो गई चटनी तैयार। ग्लैमरस किचन के स्वादिष्ट कबाब, समोसे और पकौड़ों की रेसिपी का साथी बनाएं इस टमाटर की चटनी को।